हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स के आरडी शर्मा की बुक के चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.8 को सॉल्व करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.7 तक के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लिया है। जो इस एक्सरसाइज में हमें पढ़ना है वो पढ़ना है हमें इसमें वर्ड प्रॉब्लम के बारे में, और वर्ड प्रॉब्लम इसमें किससे बेस्ड है, वर्ड प्रॉब्लम इसमें बेस्ड है फ्रैक्शन पे। ये वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड है। फ्रैक्शन क्या होता है? जब हम नंबर्स को न्यूमरेटर व डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख देते हैं उसे हम बोलते हैं फ्रैक्शन। यानी कि जो नंबर लिखा जाएगा वो किस फॉर्म में होगा? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में होगा। इसके अलावा यह नंबर यदि रेशियोज की फॉर्म में लिखा जाए, ये बेसिकली रेशियोज ही हो जाते हैं, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर ये रेशियोज होते हैं। जैसे कि अगर कहा जा रहा है 4:5 रेशियो है, तो ये 4 और 5 ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर भी हो सकते हैं। इसके अलावा यदि रेशियो में जब भी क्वेश्चन दिया जाए तो जरूरी नहीं है कि नंबर 4 और 5 ही हो, ऐसा हो सकता है कि नंबर 8:10 भी हो सकता है, क्योंकि जब हम इसका रेशियो निकालेंगे तो अगेन वैल्यू कितनी बनेगी? 4:5। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो रेशियो गिवन होते हैं तो जो नंबर हमारा होगा, यानी कि एक्चुअल में जो हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होगा वो गिवन रेशियोज का मल्टीपल ही होगा। यानी कि हम इसमें एक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसे वाई से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू 2 बनेगी, तब जाकर हम इसे 8 को क्या लिख सकते हैं? 4:2, और नीचे वाई को भी क्या लिख सकते हैं? 5:2। और इसके अलावा जब रेशियोज में क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन होंगी तो यहाँ पर जो क्वांटिटी होगी वो भी बेसिकली सेम ही होगी एक्स से, यानी कि इसमें जो फैक्टर कॉमन रहेगा वो दोनों ही केस में सेम ही रहेगा, तभी तो हमारा रेशियो सेम ही बनेगा। तो इस तरीके से हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में जो नंबर रिप्रेजेंट होते हैं इसे बोला जाता है फ्रैक्शंस। और रेशियो में किस तरीके से लिखा जाएगा? इस फॉर्म में। और जब रेशियोज को हमें एक्चुअल नंबर की बात करनी होगी तो हम इसे एक्स से मल्टीप्लाई करके या वाई से मल्टीप्लाई करके अपना नंबर्स बना लेंगे। अब इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उसे अब हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो मेथड है, तीनों मेथड में से आपको जो भी सही लगे उसे लगा सकते हैं। चाहे तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं, चाहे तो एलिमिनेशन, और या तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मैंने इससे रिलेटेड तीनों ही मेथड से रिलेटेड वीडियोस पहले से अपलोड कर रखी हैं। अगर आपने अब तक और वीडियोस नहीं देखी तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे आप वहां से देख सकते हैं। तो अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 3.8। देखिए, टाइम वेस्ट ना हो इसलिए पहले से यहाँ पे क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस मेंशन है। मैं आपको सभी क्वेश्चंस एक एक करके समझाता हूँ। देखिए, क्वेश्चन 1 क्या कहता है? द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 लेस देन द डिनोमिनेटर। सबसे पहले हम न्यूमरेटर को एक्स मानते हैं, डिनोमिनेटर को वाई मानते हैं। अब इक्वेशन किस तरीके से बनेगी इसे समझते हैं। न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज, यानी कि जो न्यूमरेटर है इज इक्वल है 4 लेस देन, यानी कि 4 कम है। तो ध्यान रखिएगा, हम 4 पहले माइनस 4 पीछे की तरफ लिखिए, देन दी डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से 4 कम है हमारा क्या? न्यूमरेटर। अब आगे क्या कहता है? इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज बाय 2, यदि न्यूमरेटर को 2 घटा दिया जाए, यानी कि हमने न्यूमरेटर में से 2 घटा दिया, एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 2 और डिनोमिनेटर में 1 जोड़ दिया, देन दी डिनोमिनेटर इज 8 times दी न्यूमरेटर। उसके बाद में जो डिनोमिनेटर है, इतना करने के बाद में अब नंबर क्या बना? इस फॉर्म में आ गया। इसके बाद में कहता है कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर का 8 times हो जाएगा। डिनोमिनेटर इज, यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो 8 times हो जाएगा किसका? न्यूमरेटर का। यानी कि न्यूमरेटर अगर n है तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 8 times हो जाएगा किसका? न्यूमरेटर का। इस फॉर्म में ये क्वेश्चन बोला गया है। अब हमें इसे अपने तरीके से इसे सॉल्व करना है। तो देखिए, किस तरीके से इसे सॉल्व किया जाएगा, तो अब हम इसका सॉल्यूशंस की बात करते हैं। तो हमें क्वेश्चन समझ लिया कि क्या हमारा क्वेश्चन कहता है और किस फॉर्म में हमें इसे रिप्रेजेंट करना है। तो बेसिकली यह हमारा न्यूमरेटर और यह हमारा डिनोमिनेटर। तो पहली इक्वेशन तो हमने यहाँ से डायरेक्टली बना ली कि जो न्यूमरेटर है वह 4 कम है डिनोमिनेटर का। तो फर्स्ट इक्वेशन तो यहाँ से हम सिंप्लीफाई करके बना लेंगे, या जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 = y - x। एक ही बात है, यहाँ से आप किसी भी फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट कर लीजिए। तो पहली स्टेटमेंट ये बनगी। दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है? इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज बाय 2, हमने न्यूमरेटर से 2 घटा दिया, एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 1 और डिनोमिनेटर में 1 जोड़ दिया, देन द डिनोमिनेटर इज, तो डिनोमिनेटर में 1 जोड़ दिया, उसके बाद में डिनोमिनेटर जो है इज, तो डिनोमिनेटर हो जाएगा 8 times द न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर का 8 times हो जाएगा। तो न्यूमरेटर जितना भी है उसका 8 times हो जाएगा हमारा डिनोमिनेटर। तो इस फॉर्म में ये नंबर आएगा। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? हम यहाँ से दूसरी इक्वेशन आसानी से बना सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो वाई माइनस का 8x = -15। पहली इक्वेशन यहाँ दे रखी है, दूसरी इस तरफ से दे रखी है, जो मेथड हमें सुटेबल लगे
और इजी लगे उस मेथड से हम इसकी वैल्यूज को निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू की, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर टू। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, कोई फ्रैक्शन 9/11 हो जाएगी, बिकम्स कब, इफ टू इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम दो जोड़ दें, हमने न्यूमरेटर को एक्स माना, डिनोमिनेटर को वाई, दोनों में ही दो जोड़ देंगे तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो 9/11 के बराबर आएगी। आगे कहता है 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर अब इसमें हम दो के बजाय तीन जोड़ दें तो अब जो फ्रैक्शन है वो 5/6 बन जाएगी, हमें फ्रैक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना है, हमें पहले इसका कर देना है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखिए 11x प्लस का 22 इक्वल्स 9y माइनस प्लस का 18, एक तरफ लेके आएंगे 11x माइनस का 9y इक्वल्स का माइनस का 4, ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। यहां से दूसरी इक्वेशन क्या बनाएंगे क्रॉस करके, 6x प्लस का 18 इक्वल्स 5y प्लस का 15, एक तरफ ले आएंगे तो 6x माइनस का 5y इक्वल्स का माइनस का 3, ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। अब इसमें चाहे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा के सॉल्व करें या हम एलिमिनेशन से या सब्सटीट्यूशन से, जिससे भी इजीली सॉल्व हो जाए हम उस मेथड के थ्रू इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था, इसकी इक्वेशंस को फ्रेम करना। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, कोई फ्रैक्शन 1/3 बन जाएगी इफ, यदि 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगेन 1 दोनों में से घटा दिया जाए। इफ 1 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 1/3, यानी कि यदि एक दोनों में ही जोड़ दिया जाएगा तो फ्रैक्शन बन जाएगी 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इजिली सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर निकल के यहां से आ जाएगा, कोई इसमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि जो इसके सॉल्व करने का मेथड है वो हमने इसे पिछले वीडियोस में भी समझ रखा है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, देख क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4। इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, यानी कि न्यूमरेटर में एक जोड़ दिया जाए एंड डिनोमिनेटर में से एक घटा दिया जाए, जो फ्रैक्शन है वो 1 के बराबर आ जाएगी। इसके बाद क्या कहता है, इट ऑल्सो बिकम्स 1/2, यह बन जाएगी 1/2 इफ, यदि वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, जब हम डिनोमिनेटर में ही सिर्फ एक को जोड़ दें। अब हमसे पूछा फ्रैक्शन कितना रहेगा, क्रॉस कर देंगे तो x प्लस 1 इक्वल्स वाई माइनस 1, एक्स माइनस वाई, या हम ये लिख दें y माइनस का x, क्योंकि जब हम y माइनस x लिखेंगे तो ये 1 इधर जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा। यहां से अगर हम y की वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी, 2 प्लस का x, y की वैल्यू कितनी आएगी यहां से, 2 प्लस का x। अब इस 2 प्लस का x को यहां पुट कर दें, x अपॉन में 2 प्लस का x प्लस का 1 इक्वल्स का 1/2, क्रॉस करते हैं 2x बराबर का 3 प्लस का x, x यहां जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 के बराबर आ गई। यदि x 3 है तो y कितना आएगा, 5 के बराबर आ जाएगा। तो हमारा आंसर निकल के आएगा, क्योंकि हमने न्यूमरेटर x बाय वाई की फॉर्म में माना तो 3/5 हमारा आंसर बन जाएगा। अब फिफ्थ की बात करते हैं, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 12, यानी कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर इस फॉर्म में और इसका जो सम है वो है 12 के बराबर, यानी कि x प्लस वाई किसके बराबर है, 12 के बराबर आएगा। इसके बाद क्या कहता है, इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 3, यानी कि डिनोमिनेटर को 3 बढ़ा दिया जाए, फ्रैक्शन हो जाएगा 1/2, यानी कि ये वैल्यू 1/2 के बराबर आएगी। सो अब देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यहां से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं 12 माइनस का x, इस y की वैल्यू को यहां पुट कर देते हैं तो x अपॉन में 12 माइनस का x प्लस का 3 इक्वल्स का 1/2, 2x इक्वल्स 15 माइनस का x, x इधर जाएगा तो 3x बराबर का 15 और x की वैल्यू कितनी बनेगी, 5 के बराबर आएगी। यदि x 5 है तो y कितना बनेगा, 7, फ्रैक्शन है 5/7 हमारा आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, When 3 is added to the denominator, यानी कि 3 denominator में हमने जोड़ दिया। देखिए सबसे पहला काम हमें लिखना पड़ेगा कि let numerator be of a fraction be x, denominator be y, then fraction become x by y. Now according to the conditions या according to the question, उसके बाद में जाकर हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। When 3 is added to denominator, denominator में 3 जोड़ दिया and 2 is subtracted from the numerator, अ फ्रैक्शन बिकम 1/4, तो पहली स्टेटमेंट तो इस तरीके से हम बना लेंगे। इसके बाद में क्या कहता है, व्हेन 6 इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर इज मल्टीप्लाइड बाय 3, यानी कि न्यूमरेटर में तो 6 जोड़ दीजिए और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब फ्रैक्शन बन जाती है 2/3। और हमसे पूछा है फ्रैक्शन निकालिए, तो देखिए दो इक्वेशन है, हम बहुत ही आसानी से इसे सॉल्व कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 4x माइनस का 8 इक्वल्स का y प्लस का 3, 3x प्लस का 18 इक्वल्स, यहां से हम 3 से 3 भी काट सकते हैं पहले ही, ताकि हम अपनी इक्वेशन को और ज्यादा फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, तो x प्लस का 6 इक्वल्स टू 2y, x बराबर 2y माइनस का 6, यहां पे पुट कर देते हैं,
फोर एक्स की जगह पे 2y माइनस का 6, यानी कि 8y माइनस का 24 माइनस का 8 इक्वल्स का y प्लस का 3। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, देखिए y इधर आएगा तो 7y, ये बनेगा माइनस 32, इधर जाएगा तो प्लस का 32, यानी कि ये बनेगा 35 के बराबर, y की वैल्यू आ जाएगी 5, यानी कि y 5 है तो 5 इंटू 2 10, 10 माइनस 6 इज 4, तो x की वैल्यू बनेगी 4, यानी कि स्टेटमेंट के हिसाब से जो फ्रैक्शन बनी वो कितनी बनेगी, 4 बाय 5 हमारा आंसर आ जाएगा। हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट रहनी चाहिए ताकि हम जब एग्जाम में बैठेंगे तो क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि हमने जो करे हैं सेम वही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है, तो हमारे पास में कैलकुलेशन पार्ट को जितना तेजी से हम सॉल्व कर लेंगे उतना ही ज़्यादा टाइम हम बचा पाएंगे और उन क्वेश्चन को अलग से कर पाएंगे जिसमें हमें टाइम लगेगा, या ऐसे क्वेश्चन जो कि कभी पहले सॉल्व नहीं किए गए हों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, देखिए क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ अ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 18, यानी कि x प्लस वाई छोड़ दिया जाए तो 18 के बराबर है, डिनोमिनेटर को 2 बढ़ा दिया जाए तो द फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1/3, कहता है कि इसके बाद में जो फ्रैक्शन है वो किस में बदल जाएगी, 1/3 में बदल जाएगी। अब दोनों इक्वेशन हमारे पास में इजिली हम सॉल्व कर लेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे, हम क्रॉस कर देते हैं इसकी 3x इक्वल्स टू वाई प्लस का 2, दो इक्वेशन है, इन दो इक्वेशन को हम चाहे तो एलिमिनेशन से चाहे सब्सटीट्यूशन से चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो स्टेटमेंट ये इक्वेशन बनी है ये बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई फॉर्म में है तो हम इसे किससे निकालेंगे, एलिमिनेशन से इजीली सॉल्व कर लेंगे, x प्लस का y इक्वल्स टू 18, तो देखिए यहाँ से एलिमिनेट किया 4x बराबर 20, x बराबर 5 आ गया, x 5 है तो y कितना बनेगा, y 13 बनेगा, तो आंसर हमारा निकल के आ गया 5/13। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, इफ 2 इज एडेड टू द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इट रिड्यूस टू 1/2, यानी कि न्यूमरेटर में 2 जोड़ दिया जाए, डिनोमिनेटर की बात ही नहीं करी तो हम डिनोमिनेटर को y ही रहने देंगे। अगला कहता है एंड यदि इफ 1 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर, 1 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में से 1, इट रिड्यूस टू 1/3, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इट रिड्यूस टू 1/3, तो ये 1/3 में बदल जाएगा। अब हमें दोनों के फ्रैक्शन पूछे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हम अपने फ्रैक्शन फाइंड आउट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है, द सम ऑफ द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज, अब इस क्वेश्चन में कहता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का जो फ्रैक्शन है इज वो है 4 मोर देन, यानी कि 4 ज्यादा, किससे, ट्वाइस द न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर के ट्वाइस से 4 ज्यादा है, तो ये बन गया हमारी पहली इक्वेशन। और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो एक्स प्लस का वाई माइनस का 2x इक्वल्स का 4, यानी कि y माइनस x इक्वल्स का 4, ये हमारी बन गई पहली स्टेटमेंट। अब अगला क्या कहता है, अगले बात करते हैं सेकंड फॉर्म इक्वेशन की, इफ द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंक्रीज बाय 3, यदि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 3 बढ़ा दिया जाए देन द रेशियो बिकम्स 2/3, तो यानी रेशियो मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में ही है, यानी कि 2/3 है, आ जाएगा। वाई की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं कि 4 प्लस का x, यहाँ पर 4 प्लस x पुट कर देंगे, x की फॉर्म में इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड द डिनोमिनेटर इज रिड्यूस्ड बाय 5, यानी कि न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से 5 कम, इट बिकम 6/5। अगला क्या कहता है, एंड एंड इफ द डिनोमिनेटर इज डबल, अब की बार डिनोमिनेटर को डबल कर दिया एंड न्यूमरेटर को इंक्रीज कर दिया 8, तब फ्रैक्शन बन जाएगा 2/5। एक्स और वाई को क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 इक्वेशन आएंगी, इजिली सॉल्व करेंगे और इस तरीके से हम अपना आंसर्स निकाल लेंगे। तो स्टेटमेंट बनाने में, इसमें फ्रेम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इजिली इसे फ्रेम कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का जो फ्रैक्शन है वो बराबर है किसके, इज 3 लेस देन, यानी कि 3 कम, किससे 3 कम, ट्वाइस दी, यानी कि दुगने से, किसके दोगुने से, डिनोमिनेटर के, तो ये बन गया हमारा इक्वेशन x माइनस का y इक्वल्स का माइनस का 3। सॉल्व करेंगे तो इस फॉर्म में इक्वेशन हमारी आएगी, 2y आ जाएगा माइनस। अगली स्टेटमेंट कहते हैं, इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिक्रीज्ड बाय 1, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 1 को घटा दिया जाए, द न्यूमरेटर बिकम्स, यानी कि घटा दिया जाए, तो अब इसे किस फॉर्म में लिखेंगे, इस फॉर्म में इसे लिखेंगे, यानी कि ये हो गया हमारा न्यूमरेटर, ये हो गया हमारा डिनोमिनेटर। अब क्या कहता है, द न्यूमरेटर बिकम्स, घटाने के बाद में जो न्यूमरेटर है वो हो जाएगा कितना, हाफ द डिनोमिनेटर, यानी कि डिनोमिनेटर का हाफ हो जाएगा, इस फॉर्म में ये दूसरी स्टेटमेंट दे रखी है। तो पहली स्टेटमेंट हमने निकाल ली, अब दूसरी स्टेटमेंट इस फॉर्म में बदलेगी, अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आएगा, 2x माइनस का 2 इक्वल्स y माइनस का 1, 2x माइनस का y इक्वल्स, 2x माइनस का y इक्वल्स, ये माइनस 2 इधर जाएगा, प्लस का 2 बन जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा 1। दूसरी स्टेटमेंट ये आ गई हमारी, पहली स्टेटमेंट यहाँ पर दे रखी थी।
दो इक्वेशन हमारी यहां पर बन जाएंगी। अब हम दोनों इक्वेशंस को इजीली सॉल्व कर लेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। सो इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। यहां तक के क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।